खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस आईटी एंड कॉमर्स आईटी एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। वायनाड भूस्खलन में अब तक 150 लोगों की मौत, 128 घायल, करीब 4000 लोग बचाए गए। कई राज्य मदद के लिए आगे आए। केरल के वायनाड जिले में मोपाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबर सामने आई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 150 लोगों की मौत हो गई, जबकि 128 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि वायनाड में आने वाले कुछ दिन और खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग ने वायनाड के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि पड़ोसी मलप्पुरम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव कार्यों के लिए पहाड़ी जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मद्देनजर आगे के कदमों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस भूस्खलन में कम से कम 150 लोगों की जान चली गई है और 128 से अधिक लोग घायल हो गए। कई विभागों के शीर्ष नौकरशाहों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम विजयन ने बचाव कार्यों का आकलन किया और इसके साथ ही केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय, आपदा प्रतिक्रिया बलों की तैनाती और राहत शिविरों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों और सुविधाओं की समीक्षा की। वायुसेना स्टेशन सुलूर से 2 हेलीकॉप्टर लोगों को तेजी से बाहर निकालने के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा नौसेना के रिवर क्रॉसिंग टीम भी बचाव में जुटी है। मुख्यमंत्री विजयन के ओएसटीएस कार्तियन को सभी बचाव एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम सौंपा गया है। Let's go.